हाँ तो सिर्फ कैसे हैं आप लोग? ठीक है, ठीक है। अच्छा देखेंगे, ये हमारा जो मॉडल पेपर चल रहा था बाबू, उसका पांचवा पार्ट है। नहीं शायद पांचवा पार्ट हो गया, छठवा पार्ट ये है। और उसी क्वेश्चन में पांच में से एक क्वेश्चन बच गया था, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा था तो उसको वहीं पे रोक दिए थे। तो ये क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स स्टार्ट होगा। क्या कह रहा है कि निम्नांकित आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करना है बच्चों और बहुलक ज्ञात करना है। तो माध्य पहले जानो क्या होता है और बहुलक जानो क्या होता है। ठीक है बच्चों, दो चीज हमारे सामने आ रहा है, एक आ रहा है माध्य, एक आ रहा है बहुलक। तो माध्य क्या होता है? माध्य मतलब होता है मानक मान, जो मान लिया जाता है। जैसे कि हमारे पास कई राशि है, मान लो चार है, छह है, आठ है, दस है। यानी कि एक बच्चे ने चार नंबर पाया, एक बच्चे ने छह, एक बच्चे ने आठ, एक बच्चे ने दस। तो अब इन लोगों का हम औसत निकालेंगे या माध्य निकालेंगे तो क्या आएगा? जैसे मान लो कि इन लोग का माध्य निकाल रहे हैं। माध्य का एक फार्मूला होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, सम ऑफ टर्म्स एंड नंबर ऑफ टर्म्स। पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो छह चार दस, और दस बीस, और आठ अट्ठाईस। उसके बाद क्या बच्चों, इन सबको ऐड कर देंगे, छह चार दस, दस बीस और आठ अट्ठाईस, एक दो तीन चार, चार से डिवाइड कर देंगे तो आ गया सात। क्या आ गया बच्चों? सात। अब ये जो सात आया है, तो जो बच्चों चार लोग पाए थे नंबर, पहला बच्चा चार नंबर, दूसरा छह, तीसरा आठ, चौथा दस। तो अब जो सात आ गया माध्य, ये सब चारों का सात माना जाएगा। इसका मतलब होगा कि चारों लोग लगभग लगभग सात नंबर पाए हैं, मतलब ये इन लोग का एवरेज आ गया है। अब इनका रिजल्ट ये शो करेगा कि हाँ, मान लो ये लोग किसी कोचिंग के बच्चे हैं, चार लोग दस में से इतना पाए हैं, तो कोचिंग का जो रिजल्ट आया दस में, वो दस में सात आया है। इसका मतलब अब इस चारों लोगों का सात माना जाएगा, यानी कि जो चार पाया उसका भी सात माना जाएगा, जो दस पाया उसका भी सात माना जाएगा, जो आठ पाया उसका भी सात माना जाएगा, और जो छह पाया उसका भी सात माना जाएगा। ये होता है आपका माध्य। तो इस तरह से एक वर्ग अंतराल दिया है और बारह वार्ता दे रखी है, उसका हमको माध्य बताना है। तो उसके बाद बहुलक क्या होता है उसको भी देख लेंगे। बहुलक का मतलब होता है जो बहुत बार आया है, जिसकी बारंबारता अधिकतम है। जैसे मान लो कि इसी में एक बच्चा और छह पा जाता, एक बच्चा और चार पाता, एक बच्चा और छह पा जाता, तो सबसे ज्यादा कौन है? सबसे ज्यादा बार आया है छह बार आया, छह तीन बार आया ना। सबसे ज्यादा बार कौन आया? छह आया है, छह तीन टाइम आया ना, छह टाइम आया, तीन बार आया है। तो इसलिए बहुलक बराबर हो जाएगा छह। तो इसमें हमको इसमें बताना है कि बहुलक क्या है और माध्य क्या है बच्चों। ठीक है, तो वो आपको बता रहे हैं, उसको ध्यान से देखेंगे आप लोग। ठीक, बहुलक क्या है और माध्य क्या है, आप लोग को दो चीजें बताना है। माध्य का कई फार्मूला होता है बच्चों, सब यहाँ पर लिख दे रहे हैं, फिर आप लोग को बता रहे हैं। देखो, माध्य का सबसे पहला फार्मूला होता है, इसको एक्स बार से लिखते हैं और औसत भी कहते हैं। चाहे औसत कहो, चाहे माध्य कहो, चाहे समांतर माध्य कहो, चाहे औसत कहो, चाहे माध्य कहो, चाहे समांतर माध्य कहो, इसका फार्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये फार्मूला होता है बच्चों माध्य का, पदों का योग बटे पदों की संख्या। इसको कहते हैं कि सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। इसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड। ये होता है डायरेक्ट मेथड बच्चों, डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष विधि। इसके बाद एक फार्मूला और होता है, अभी हम बता रहे हैं कि सिग्मा क्या है, एफ क्या है, एक्स क्या है। सिग्मा का मतलब होता है योग, एफ का मतलब होता है यही बारंबारता, फ्रीक्वेंसी, एक्स का मतलब होता है इसका मान। अभी देखो, 10 से 20, अभी बता, इस 10 से 20 आ गया, मतलब कि आंकड़ा है 10 से 20। कुछ लोग 10 नंबर में हैं, कुछ लोग 20 नंबर में हैं, कुछ लोग उनके बीच में हैं। तो सबसे पहले इन दोनों का ही माध्य लेकर हम जो है एक्स का मान निकालते हैं। ठीक है बच्चों, बता रहे हैं। उसके बाद ये दूसरा फार्मूला होता है कि ए प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ। इसको कहते हैं कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि, एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम मीन
मेथड, कल्पित माध्य विधि। अभी सब हम बता रहे कि कौन क्या है, ठीक है बच्चों। उसके बाद एक फॉर्मूला होता है इसका, ए प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ, इसको बोलते हैं स्टेप डिवीजन मेथड, पग विचलन विधि, पग विचलन विधि बोलते हैं इसको। तीन विधि से आपको निकाला जाता है माध्य हाई स्कूल में, हाई स्कूल में तीन मेथड से निकालते हैं। एक ये यूज कर लेते हैं, इसी की चीज ये भी है, ये यूज कर लेते हैं, इसको बोलते हैं स्टेप डिवीजन मेथड, स्टेप डिवीजन मेथड। अब बच्चों हम बता रहे हैं आपको कौन क्या है, देखो ध्यान से। ये वर्ग अंतराल दिया है, 10 से 20 तक में 4 लोग हैं, 20 से 30 तक में 8 लोग हैं, 30 से 40 तक में 10 लोग हैं, 40 से 50 तक में 12 लोग हैं, 50 से 60 तक में 10 लोग हैं, 60 से 70 तक में 4 लोग हैं, 70 से 80 के बीच में 2 लोग हैं। ये समझो कि इस तरह का नंबर दे रखा है, यानी कि 10 से 20 नंबर पाने वाले 4 बच्चे हैं और 20 से 30 पाने वाले 8 बच्चे, इस तरह से है। तो अभी हमको यही नहीं क्लियर है कि कौन बच्चा कितना नंबर पाया है, बगंतरा में यही नहीं क्लियर है कौन बच्चा कितना पाया है। तो सबसे पहले हम इन दोनों का माध्य निकाल लेंगे तो वो माना जाएगा कि हाँ 4 बच्चे उतना पाए हैं, ठीक है। तो 10 और 20 का माध्य निकालो बच्चों कि 10 प्लस 20 बटे 2, पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो दो पद है दोनों को जोड़ दिए बटे 2 कर दिए, तो 10 20 30 बटे 2 बराबर 15, ये आ गया इनका अलग से माध्य। तो इसको कहते हैं माध्यमान, आपका माध्यमान 10 और 20 का माध्यमान आ गया 15, 20 और 30 का 20 और 30 जोड़ के बटे 2 कर दोगे तो 50 बटे 2 मतलब 25, यह जाएगा 25, इसको सामने सामने लिख रहे, ठीक है बच्चों। तो 30 और 40 का आ जाएगा 35, देखो 10-10 जुड़ते जा रहा है, 10-10 जोड़ देंगे, इसका हो जाएगा 45 दोनों का, इसका 55, इसका 65, 75, यह आ गया आपका x माध्यमान, ठीक है बच्चों। ये हमारा x था बारंबारता, ये हमारा x है माध्यमान। हम चाहें तो सीधे ये फार्मूला लगा सकते हैं प्रत्यक्ष विधि कि सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अच्छा बच्चों इसको क्यों नहीं जोड़ रहे हैं, क्योंकि चार लोग, देखो चार लोग 15 नंबर पाए ना, तो या तो 15-15 चार बार जोड़ लो या तो फिर 4 से गुणा करा लो 15 में, तो उसी लिए इसको एफ एक्स लिखते हैं, मतलब जो एफ वाला है उसको एक्स वाले के साथ में गुणा करके जोड़ो, ठीक है बच्चों। जो एफ वाला है उसको एक्स वाले के साथ में गुणा करके जोड़ो, इसीलिए उसको एफ एक्स लिखते हैं। तो अब लिख लेंगे आप लोग एफ एक्स और क्या, अगर ये विधि लगाना है तो आपको एक कॉलम और बनाना पड़ेगा, बस ये बनाना है तो भी दो कॉलम और बनाना पड़ेगा, ये बनाना तो तीन बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसा आप लोग कहिए, कौन सा बता दें, ये लगा दे कि ये लगा दे। अब इसको लगाना है, देखो हम बता दे रहे हैं, सब बता दे रहे हैं, चलो देखो सब बता दे रहे हैं, एफ एक्स मानो लगाना है हमको, तो हम सीधे सीधे इसका गुणा करेंगे, 15-4 60, 25-8 200, 35-10 कितना होता है 350, देखो 45-12 कितना होता है 12-5-60 का 0.5, 6-4 44-6 54, देखो 10 से गुणा करा लेंगे 50, देखो 4-5-20 का 0.5, 2-4-6-24-26, 150, ठीक। अब इन सबको जोड़ लेंगे बच्चों, ठीक है इसको बता देते हैं, अब इन सबको जोड़ लेंगे तो हो जाए, वही होगा सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा मतलब जोड़ो, उन सबको जोड़ लो तो कुछ 0 0 0 0 0 0 0, 5-6-11 5-16 4-20, 5-25 0 25 36, 1-8-3, 3-1-4 2-6 और 5-11 5-16 3-19 2-21, वो नहीं था 2110 आ गया बच्चों, ठीक है। ये हो गया सिग्मा एफ एक्स, यहाँ हम लिखे कुल, कुल लिखते चाहे टोटल लिखते हैं, है ना। अब इन सबको जोड़ो तो उसको कहते हैं सिग्मा एफ, इन सबको जोड़ लो तो उसको कहते हैं सिग्मा एफ। देखो बच्चों 4-8 12 12-2 14 14-4 18 2-20 का 0.5 3-1-4 5 हो गया 50, क्या गया बच्चों 50, ठीक है। अब जो डायरेक्ट ये मेथड लगा रहे प्रत्यक्ष विधि से, ठीक है, तो आप सीधे लिखेंगे माध्य, माध्य बराबर माध्य यानी x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अच्छा बच्चों ये कौन सी विधि है, प्रत्यक्ष विधि है, चाहे प्रत्यक्ष विधि कहो और चाहे डायरेक्ट,
कहो, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स मतलब कि हम 21 10 लिख देंगे, सिग्मा एफ लिख देंगे ये 50, कट गया 5 से काट दिए, 5 × 20 एक 5 × 10 42.2 आ गया, ठीक है। अगर मान लो कि हम ये मेथड नहीं लगाते, ये मेथड लगाते, ठीक है, तो क्या करेंगे? अगर हमको ये मेथड लगाना तो हमको ये कॉलम नहीं बनाना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। आप लोग लिखो इसको, हम मिटा के ये मेथड बता रहे हैं, ठीक है। अगर सर में जल्दी से इसको लिख लो आप लोग, हो गया बच्चों। देखो अब इसको मिटा देंगे, अब 42.2 आया ना, उसको आप याद रखिए उत्तर, क्योंकि आप किसी भी मेथड से लगाए तो वही आएगा, ठीक है। चाहे ये लगा लो चाहे ये, अच्छा रुक जाओ, इसमें देखो यच नहीं लिखा ना, यच भी रहता है जो सूक्ष्म विधि है, इसको सूक्ष्म विधि भी कहते हैं बच्चों, पग विचलन विधि भी कहते हैं, सूक्ष्म विधि भी कहते हैं। तो अब चाहे ये लगा लो चाहे ये, तो पहले इससे बता दे रहे फिर इससे भी बता देंगे, ठीक है। तो अब इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, ए क्या होता है, ए मतलब होता है मानक मान, इसको भी मानक कहते हैं, मानक मान ए का। बस आप इसको जो मान लेंगे, ठीक है, इसको माध्य मान कहते हैं, इसको मानक मान कहते हैं, ठीक है। तो ए मतलब जो मान लेंगे, अब इसी में से किसी एक को हम माध्य मान लेंगे, क्या मान लेंगे बाबू, माध्य मान लेंगे किसी एक को। तो किसको मानेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 है, तो नीचे 3 छोड़ दो, ऊपर 3 छोड़ दो, इसको ए मान लो बीच वाले को। अब तुम्हारा उत्तर जो है इसी 45 के करीब में आएगा, तो 42.2 आया था, यानी कि 45 के करीब में ही आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा ए, ठीक, इसी को बोलते हैं मानक मान, ए हो गया। तो अब इसको लिखना क्या, कुछ नहीं, अब इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है बच्चों। आगे समझे, इसी में से एक मान लिए, उसके बाद हम क्या लेते हैं, डी यानी कि विचलन, क्या लेते हैं बच्चों, विचलन, मानक मान, समझ आ गया, इसमें से किसी एक को मान लेते हैं बीच वाले को, ठीक। अब आ गया विचलन, विचलन क्या होता है, विचलन बराबर टी बराबर होता है कि एक्स माइनस ए, यानी कि जो हमारा एक्स था उसी में से इस ए को घटाओ बार बार, ठीक है। तो 15 में से 45 घटा तो -20, 25 में से 45 गया तो -30 होगा, 25 में से 45 गया तो -20, 35 में से 45 गया तो -10, 55 में 45 गया तो 0, 55 में से 45 गया तो 10, 65 में से 45 गया तो 20, मतलब सब में से इसी को घटाएंगे जिसको माने हैं उसी को बार बार घटाएंगे, 75 में से 45 गया तो 30, ठीक है। ये हो गया हमारा डी। अब हम सिग्मा एफ डी करके एफ डी निकाल के ये लगा सकते हैं, ठीक है। अब निकाल देंगे आप एफ डी, क्या निकाल देंगे बच्चों, एफ डी। तो एफ डी क्या होता है बच्चों, ये हमारा एफ है, ये हमारा डी है, देखो 30 × 120 20 × 8 160, देखो जो 10 ढाई 100, ठीक, 12 × 0 तो कैसे निकालेंगे, जो प्लस वाला उसको अलग से ऐड कर लेंगे, माइनस वाला अलग से, देखो ये तो सेम से था, कट गया, प्लस वही चीज माइनस वही चीज, ये हो गया -0 0 0 6 2 8 और 280 हो गया, प्लस 140, 280 से चल गया तो -140 आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा -140, ठीक है। अब हम ये फार्मूला लगा देंगे, इसको बोलते हैं एज्यूम मीन मेथड, कल्पित माध्य विधि। इसमें क्या करते हैं, ए समझ आ गया बच्चों, ए किसको मानते हैं, बीच वाले को ए मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आ गया फार्मूला लगा दें कि माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, तो ए का मान क्या था 45, सिग्मा एफ डी का मान क्या बच्चों -140 और सिग्मा एफ का मान 50, तो हो गया 45 मान के पास माइनस इतना बटे इतना 0 0 कट गया 45, देखो 5 से भाग देंगे 5 × 10 5 से 40, 10 में से 0.0 लगा देंगे ना, 10 में से 8 गया तो 2, 4 में से गया तो 2, 42.2 आ गया, ठीक है। ये था आपका एज्यूम मीन मेथड, ठीक है। आधे भाषण में लिख लो इसको भी, उसके बाद बता रहे हैं कि देखो ध्यान से, अब क्या करेंगे हम, ये विधि लगाएंगे पग विचलन विधि है ना, इसको मिटा दे रहे हैं, इसका कोई काम नहीं है, जो एफ डी रहता है उसका काम उसमें नहीं होता है, ठीक है।
अब इसमें जो है बच्चों एक कॉलम और आपको बनाना है, उसके बाद एफ यू का निकालना पड़ेगा। अब एक कॉलम आपका यू बनाना है, यू जो है यू, तो यू क्या होता है, यू बराबर एक फार्मूले डी अपॉन एच, बस बात करता हूं डी अपॉन एच। अब इसमें से एच किसको मानेंगे, तो जो विचलन डी में जो है डी में सबसे छोटा और प्लस वाला है उसको एच मान लेंगे, तो यही है सबसे छोटा और प्लस उसको एच मान लेंगे, ठीक है बच्चों, क्योंकि उसी से सबको डिवाइड करना ना, इसीलिए एक मान लेते हैं इसको भी, ये भी समझो कि तरह का मानक मान है। तो 30 में 10 से भाग दे तो 3 आ गया मानस, तो मानस 20 में 10 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा मानस, तो मानस 10 में 10 से भाग दे तो मानस 1, 0 में दे तो 0, 10 में दिए तो 1, 20 में दिए तो 2, 30 में दिए तो 3। अब बस सिग्मा एफ यू निकाल लेंगे हम लोग, उसके बाद जोड़ के सिग्मा एफ यू निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, ये एफ आर एस उसमें मल्टीप्लाई करा लेंगे बच्चों। वही कहा था कि देखो ये होता बहुत आसान है, लेकिन ब्रेकेट बहुत बनाना पड़ता है, कॉलम बहुत बनता है, और बोर्ड में जो है आपके यही वाला पूछा जाता है कल्पित माध्य विधि, जो इसके पहले बताए थे, ठीक है, ये वाला मुझे और ये बहुत कम पूछता है, और ये पूछता है आपका क्या पूछते हैं, तो इसको भी देख लो, ये बहुत इसमें बुरा भाग ज्यादा नहीं करना पड़ता, बहुत छोटा विधि होता है, बस ब्रेकेट बना लो, कॉलम बना लो अपनी। अब F U, तो ये F है ये U है, तो 4 3 12 माइनस 12, फिर 8 2 16 माइनस 16, 10 करने में 10 माइनस 10, 12 गुणे 0 तो 0, इसको लिख लो बच्चों, फिर 10 करने में 10, 4 2 8, 2 3 6। अभी आ गया कि सिग्मा F U निकाल दिया हम लोग, ठीक है। अब ये 10 माइनस प्लस खत्म, माइनस 28 हो गया और ये प्लस 14 हो गया, तो उसको जब जोड़ेंगे तो माइनस 14 आएगा ना, ज्यादा वाले में से कम वाला घटाते हैं, ज्यादा वाले का साइन लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 14। अब ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे कि ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा या यहाँ पे लगा देंगे बच्चों, ये सूक्ष्म विधि का ये फार्मूला कि माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच। तो ए क्या था हमारा, जो था 45 वही रहेगा, ठीक बच्चों, सिग्मा एफ यू क्या है माइनस 14, माइनस 14 है, सिग्मा एफ क्या है बच्चों 50, तो 50 रहेगा, और एच क्या है बच्चों, एच है 10, तो 10 रहेगा, ये 0 0 कट गया, ठीक है। अब ये हो गया 5, अब इसको भाग देंगे तो 2.8 आएगा, घटा देंगे फिर 42.2 आ जाएगा, फिर से वही आ गया। तो कहने मतलब यह है बच्चों, जितना विधि था उस सब विधि से बता दिए, इसको माध्य आप लोग का, तो आप लोग का माध्य हो गया बच्चों, ठीक है। अब इसका बहुलक जा रहे बता, इसको भी लिख लो आप लोग, माध्य खत्म हो गया तीनों मेथड से। देखो बच्चों अब आप लोग को बहुलक बताना, क्या बताना है, बहुलक ना बताओ, बहुलक क्या होता है, बहुलक का मतलब होता है जो बहुत बार आए, जिसकी बारंबारता ज्यादा हो, ठीक है। तो इस तरह से अगर वर्ग अंतराल दिया है तो बहुलक का फार्मूला होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, यहां ब्रेकेट लगा दें, ये फार्मूला है। अब मैं बता रहा हूं आप लोग को कि F1 क्या है, F2 क्या है, F0 क्या है और H क्या है। तो जो सबसे ज्यादा होगा वो है F1, जो सबसे ज्यादा है वो है F1। तो देखो 12 सबसे ज्यादा तो क्या हो गया F1, 1 के पहले 0 आता है ना, तो 12 के पहले वाले को कहेंगे F0, और 1 के बाद 2 आता है तो 12 के बाद वाले को कहेंगे F2, ऐसे बच्चों। अब जो F1 है उसके सामने वाले कहते हैं बहुलक वर्ग, यानी कि 40 और 50 में से कोई उत्तर आएगा, 40 50 के बीच में आएगा उत्तर, ठीक है। तो आप ऐसे लिखोगे, चूंकि 12 की बारंबारता सबसे अधिक है, बारंबारता सबसे अधिक है, अधिक है, सबसे अधिक है, इसीलिए बहुलक वर्ग बराबर चालीस से 50 है। इसमें जो 40 है वो हमारा L1 है, और जो 50 है वो हमारा L2 है, और जो हमारा H होता है बच्चों होता है L2 माइनस L1, यानी कि 50 में से 40 घटा तो हो गया 10,
इसके बाद क्या बचता है बच्चों, एफ वन एफ टू एफ नॉट, तो उसको लिख दे रहे इधर पे। देखो देखो एफ वन जो हमारा है वो है 12, जो सबसे अधिक होता है वो 12 होता है। एफ टू हमारा उसके बाद वाला है 10, और एफ नॉट जो है वो है उसके पहले वाला 10। आज तो बच्चों बस उसके बाद क्या है, सीधे सीधे बहुलक का फॉर्मूला लगाकर लगा दें, तो लिखेंगे बहुलक बराबर L1 plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into H, इस फार्मूले से। तो L1 का मान क्या रखेंगे बच्चों, 40, F1 का मान 12, F0 का मान 10, फिर यहाँ पर भी F1 का मान 12, F0 का मान 10, F2 का मान 10, और H का मान बच्चों 10 हो, H का मान ये। तो रख देंगे अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों 40, 12 में से 10 गया तो 2, 12 दूनी 24, माइनस 10 माइनस 10 माइनस 20 गुणे 10, क्योंकि बच्चों 40 प्लस 2 गुणे 10 बटे 24 में से 20 गया तो 4, तो 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, तो गया 40 और 5 कितना हो गया 45। ये आ गया आपका आंसर बच्चों 45, ये आपका उत्तर है। ठीक है 45, ये आपका आंसर हो चुका है 45 आ गया आपका आंसर, ये बहुलक है आपका। ठीक है इस तरह से आप बहुलक निकाल लेते हैं। आगे बात सुन लें, ये क्वेश्चन ओवर हो गया। देखो बच्चों अगर कहीं मान लो कि इसका माध्यिका पूछ लिया, क्या पूछ लिया माध्यिका, तो आप लगा दो। फिलहाल तो नहीं पूछा है, मतलब मैं बता दे रहा हूँ कि कहीं माध्यिका पूछ लिया तो भी लगा देना। तो माध्यिका अगर वर्ग अंतराल दिया है तो बच्चों माध्यिका का क्या फार्मूला होता है, माध्यिका का फार्मूला होता है m बराबर l1 plus n by 2 minus cf upon f into h, ये होता है माध्यिका का फार्मूला। ठीक है माध्यिका क्या होती है, जैसे कि यहां से 10 से लेकर 80 तक बच्चे लोग नंबर पाए है ना, तो ऐसे सबको लिखते जाए कि मान लो कि फला व्यक्ति 10 पाया, फिर कोई 11, फिर कोई 12, फिर कोई 19, फिर कोई 20, फिर कोई 21, फिर 22, इस तरह से आप आ जाए तो बीच वाला कौन सा होगा, वो कह रहा है माध्यिका। ठीक है तो वो बीच वाला हमको निकालना है, यानी कि हमको बीच वाली संख्या बतानी है, वो उसको कहते हैं माध्यिका। ठीक तो उसको बता रहे बाबू, देखो यन क्या है, यन मतलब टोटल पदों की संख्या है, एन बाई टू क्या होता है इसका हाफ, तो पहले हम लोग एन बाई टू निकालना चाहेंगे। ठीक है फिर सी एफ क्या होता है, सी एफ होता है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि ये फ्रीक्वेंसी तो हमारा एफ है, इसी तरह से हमारा एक और फ्रीक्वेंसी निकलेगा, संचयी बारंबारता कहते हैं इसको बच्चों, क्या कहते हैं संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ये कैसे निकलता है बाबू, ये निकलता है देखो ध्यान से, पहले इस चार को लिख लेंगे, फिर चार और आठ को जोड़कर लिखेंगे, चार और आठ 12, फिर 12 और 10 को जोड़कर लिखेंगे, 12 10 22, फिर 22 और 12 को जोड़कर लिखेंगे। ठीक है 22 12 34, फिर 34 और 10 को जोड़ के लिखेंगे, 34 10 44, 44 और 4 को जोड़ के लिखेंगे 48, 48 और 2 50। इस तरह से हम लोग जो है इन सबको जोड़ जोड़ के लिखते हैं, पहले 4 लिखे, फिर 4 में 8 जोड़ दिए 12, 10 जोड़ दिए 22, 22 में 12 जोड़ दिए 34, 34 में 10 जोड़ दिए 44, 44 में 4 जोड़ दिए 48, इस तरह से। तो ये हो गई एक संचयी बारंबारता। इसका क्या मतलब था बच्चों, देखो चार शुरू से चार बच्चे जो लोग हैं 20 तक पाए हैं, फिर 4 से लेकर 12 तक बच्चे जो है 20 से 30 पाए हैं, फिर 12 से लेकर 22 तक के बच्चे, ये समझो कि एक तरह का रोल नंबर है। ठीक है तो 12 से लेकर 22 तक के जो बच्चे हैं वो जो है 30 से 40 पाए हैं, इस तरह से ये दिया हुआ है। ठीक है बच्चों तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम n बाई टू निकालेंगे बाबू, क्या निकालेंगे n बाई टू, तो लिखोगे चूंकि n बराबर 50 है इसलिए n बाई टू हमारा क्या हो जाएगा 50 बटे 2 बराबर 25 आ जाएगा है ना, ये क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा बच्चों, अब देखो ध्यान से 25 किस में आता है, इसमें से देखेंगे हम, इसमें से 25 34 में आएगा, 22 में आएगा 25, 22 में आएगा क्योंकि ये 12 से 22 तक है, अब ये 34 क्या है, ये 22 से लेकर 34 तक है, तो 25 इसी के तो अंदर आएगा, तो इसके अंदर आएगा, तो इसके सामने वाले को लिखेंगे एफ, क्या लिखेंगे या इसको हम बहुलक मान लेंगे या, और ये इसके पहले वाले को हम लिखेंगे सी एफ,
कॉग्निटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जो ये दिखेंगे इसको हम बारंबार मान लेंगे बच्चों 12, ठीक है, और ये जो है हमारी संचय बारंबार 22, ठीक। उसके बाद क्या है, इसके सामने वाले को, इसके सामने वाले को हम मानेंगे माध्यिका वर्ग, क्या मानेंगे माध्यिका वर्ग, इसीलिए लिखेंगे। अब ये हमारा L1 हो गया, ये L2 हो गया, इसमें से घटाएंगे H हो गया, सब मिल गया बच्चों, देखो L1 L2 n/2 CF सब मिल गया, तो आप लिखेंगे इसलिए अतः माध्यिका वर्ग बराबर, माध्यिका वर्ग बराबर 40 से 50, तो L1 बराबर 40, L2 बराबर 50, और H बराबर होता है L2 - L1, तो 50 में से 40 क्या, तो 10, तो हो जाएगा 50 - 40 = 10। उसके बाद बच्चों हमारा क्या है, F बराबर 12, CF बराबर 22 है, लिखेंगे F बराबर 12 और CF बराबर 22, इतना हो गया। अब ये माध्यिका का सूत्र लगा देंगे कि माध्यिका बराबर L1 + N/2 - CF / H, तो देखो बच्चों ये सूत्र लगा देंगे कि L1 का मान क्या है 40, 40 लिख दिए, N/2 का मान 25, 25 लिख दिए, CF का मान 22, 22 लिख दिए, F का मान बच्चों 12, 12 लिख दिए, और H का मान क्या बच्चों 10, 10, ये हो जाएगा 40 प्लस सब पे होगा 3 आ जाएगा 12 × 10, 3 × 4 = 12, अब 4 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आ जाएगा, 42 × 2.5 = 42.5, तो आंसर आपका क्या आ गया कि 42.5, ये आपका माध्यिका है। देखो बच्चों इसका माध्य कितना आया था, माध्य आया था 42.2, माध्य कितना आ गया था, और जो बहुलक हमारा आया था बच्चों, बहुलक आ गया था 45 और माध्यिका आ गया है 42.5, तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो गया, यानी कि माध्य माध्यिका बहुलक आप तीनों समझ गए हो। आप लोग कहीं प्रॉब्लम होगा तो डिस्क्रिप्शन में या कमेंट करके बता देंगे आप लोग, है ना, तो उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद देखिए बच्चों इसको अच्छे से देख लोगे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दोगे, क्योंकि ये अपने आप में बहुत अहम क्वेश्चन है, ये जरूर बोर्ड में आता है, है ना, 5 से 7 नंबर देकर जाएगा आएगा तो बच्चों, ठीक है। तो और मैं कह रहा हूँ कि जो मेरे चैनल पर नए लोग होंगे उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कर देंगे, अच्छा लगेगा तो कमेंट कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद इसको क्वेश्चन को शेयर जरूर करेंगे बच्चों, ठीक है, शेयर जरूर कर देना दोस्तों में, है ना, लेट्स ऑल, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आप लोग देखेंगे।